Hello, my dear friends. We have talked about fever in one of my earlier videos. दोस्तों, हमने इससे पहले की किसी वीडियो में ये चर्चा किया था कि फीवर होता क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो बुखार है ये किस लिए है। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि बुखार एक सिम्टम है, द फीवर इज ए सिम्टम, इट इज़ नॉट ए डिजीज़। तो इसे किसी रोग की तरह ना लिया जाए, ये सिम्टम है और सिम्टम को हमको समझना है कि बुखार है किस लिए। जब भी व्हेनेवर देयर इज ए फीवर एट योर होम और टू एनीबॉडी हुम यू आर लुकिंग, यू हैव टू क्वेश्चन हिम और यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना पड़ेगा, आप ये क्वेश्चन करिए और आप उसके पीछे के बैकग्राउंड में जाके यू गो इन द डिटेल। उससे 5, 6, 10 दिन, 10 डेज तो यू गो बैक इन टू द हिस्ट्री ऑफ हिज लास्ट 10 डेज, वाट ही हैज डन। यू फाइंड आउट वाट एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी एंड वाट एबनॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी ही हैज डन। आपको यह पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे रेगुलर समय जैसे आप बिताते थे उससे अलग हट के आपने क्या किया। अगर किसी पहले इससे पहले मैं ये बता दूं फीवर है क्या। मैंने इससे पहले काफ़ी डिस्कस किया था, बुक्स के बारे में हम बात करेंगे तो वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बुक्स एंड अदर थिंग्स, बट बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर ए कॉमन मैन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ फॉर दोज हु आर गिविंग रेमेडीज, हुएवर इट इज, हुएवर इज गिविंग रेमेडीज, द नॉलेज ही इज ओनली गोइंग टू एक्वायर। नॉर्मल पीपल दे वॉन्ट जस्ट tell me this and I will apply this, they don't want to do any hard work, but still my videos are for both type of people, so I will take little bit of time, मैं कुछ समय लूँगा लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये कहाँ से बोल रहा हूँ, किस तरह से बोल रहा हूँ, मेरा नॉलेज मैंने कैसे एक्वायर किया, सालों साल मैंने क्या किया और उसके बेसिस पर ही तो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ जिस किताब के बारे में अभी आपको जानना जरूरी है। ये बुक है, ये देखिए आप देख सकेंगे, दिस बुक इज दिस एंड इट इज बाउंडेड विथ कवर ऑफ लेदर एंड दिस बुक इज द साइक्लोपीडिया ऑफ प्रैक्टिकल मेडिसिन, दिस इज वॉल्यूम 2 बाय जॉन फोर्ब्स MD FRS। मैं ये इफ यू सी आई विल पुट द कवर लाइक हियर, यू कैन सी इट दिस, you will understand all these people are very famous and they have given their knowledge and this book is basically a compendium of journal and this journal is published in Philadelphia and this is a book of eclectic medicine. As I told in earlier videos ki eclectic medicine there are not much book available on the market or in the internet, you will not find much book, but this is one of them and this is written by a compendium, treatise of the nature and treatment of diseases, the materia medica and therapeutics, medical jurisprudence, etc., etc., edited by John Forbes MD FRS. He is the fellow of Royal Society of Surgeons and Physicians to the Queen's House, and Alexander Tweedie MD FRS, physician of the London Fever Hospital and to the founding hospital, and John Colony MD, late professor of medicine in the London University, physician to the Hanwell Lunatic Asylum, and thoroughly revised with numerous edition by Roble Dunglinson MD, professor of the Institute of Medicine in Jefferson College, Philadelphia. So these books are very authentic books and the people written, they have profound knowledge in their subject matter. So this book only explain about the fever, what is fever and what is not. Now let me explain what is fever, not by my mouth, mere muh se nahi, main ye fever bukhar hai kya ye batane ke liye main quote karna chahta hu aapko ek jagah se, jo is book se main quote karta hu. Ye book hai, aap dekh sakte hain ye book, ये बुक, दिस बुक इज द बायोकेमिक थेरेपी बाय डॉक्टर सुल्जर, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी।
what he has written, और उन्होंने क्या कहा है और क्या बोला है। उन्होंने कहा है कभी भी फीवर का मतलब ये होता है, द फीवर मीन्स इट इज एन हीट फेल्ट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर जब हीट मनुष्य के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है उसको ही फीवर कहा जाता है। तो इफ़ द हीट टेम्परेचर ऑन द स्किन इज मोर देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बींग दैट इज कॉल्ड फीवर। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ये घर्षण के कारण होता है, क्योंकि जब ब्लड नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर में उसके ब्लड वेन्स और आर्टरीज के भीतर से जाते हैं तो वहाँ घर्षण होती है। जैसे हम अपने हाथ घसते हैं और हाथ घसते हैं तो हाथों के बीच में गर्मी महसूस होती है, लाइक वी रब आवर हैंड्स एंड वी फील द हीट इन आवर हैंड। सिमिलरली व्हेन द ब्लड फ्लोस थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स, जब ये आर्टरीज और वेन्स से जब खून जाता है और उसमें नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है, तब इस के कारण जो गर्मी पैदा होती है वो जब शरीर के ऊपर आती है उसी को बुखार कहा जाता है, और ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट इंक्रीज्ड मोशन इज चेंज टू हीट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इज कॉल्ड फीवर। तो इसे कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा होता है। नाउ आई टेल यू that fever can come to any person if there is a attack by somewhere else. जैसे it is like something कि हमारे देश में in your country or in our country, anybody's country, if some intruder come or you know like people crowd comes of wrong motive, what will happen? That police will go immediately and there is a clash. तो वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है, so there is a clash there. And due to clash, it is the not normal atmosphere. वो normal atmosphere नहीं रहता है, उस समय चिल्लाहट, कोलाहल and so on so forth, many things, you know, chaos is happening. Similarly, when there is an attack from outside due to virus or anything else, like an injury, if you have an injury, आपको कहीं जल गया या आपको sunstroke हो गया या आपके पेट में कोई enteritis या आप amoebiasis का effect आ गया, ऐसी हालत में जब शरीर उसको नॉर्मल खून की सप्लाई, द नॉर्मल ब्लड सप्लाई विथ द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट, जो ऑक्सीजन ब्लड में रहता है वो जाता है और वाइट ब्लड सेल वहाँ लड़ाई करता है, लेकिन वाइट ब्लड सेल आर द आर्मी ऑफ द बॉडी, वो शरीर के जो सेना वाहिनी है वो जाकर, वाइट ब्लड सेल दौड़ती है खून के साथ जाकर के उस जगह में लड़ाई करती है एंड और दे गेट डाइड, वहाँ वो मर जाती है, और मर जाने से क्या होता है कि शरीर का दिमाग जो है उस समय शरीर से और खून वहाँ भेजती है और लड़ाई करने के लिए, अपना युद्ध को जीतने के लिए, दे वॉन्ट टू विन द वार, द बॉडी विंस टू विन द वार एंड टू किल द बैक्टीरिया और एनी सॉर्ट ऑफ यू नो फॉरेन इन्वेशन इन टू द बॉडी, एंड दैट्स वाई द ब्लड रशेज देयर एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड द फ्रिक्शन हैपन्स इन टू द वेन्स एंड आर्टरीज एंड दैट कम टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के ऊपर आ जाती है, वो जो घर्षण है उसकी जो हीट है जेनरेट होती है वो शरीर के ऊपर आ जाती है, तो आदमी को बुखार हो जाता है और हम सोचते हैं कि बीमार है, बीमार तो है, ही इज सिक, यस डेफिनेटली सिक, बट वाई, नो बडी क्वेश्चंस, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वन शुड हैव, वाई इट इज फीवर, फीवर इज ऑल राइट बट वाई इट इज फीवर, इफ यू नो द रीजन ऑफ द फीवर और आप वहाँ जाइए, यू गो टू दैट रीजन वाई इट इज द फीवर एंड यू क्योर दैट रीजन, सो आपका फीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इफ यू क्योर दैट रीजन, दैट इन्वेशन इन योर बॉडी, आप जैसे ही यू किल दैट एनिमी योर फीवर विल गो अवे, देर इज नो रीजन कि और ब्लड चाहिए, देर विल बी नो रीजन दैट हार्ट विल पंप मोर ब्लड इन टू इट एंड योर आर्टरीज एंड वेन्स विल स्लो डाउन। अब इसको करना कैसे है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन कंटिन्यूएशन टू दिस कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ फीवर्स कैन बी देयर, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड व्हाट इमीडिएट ड्रग कैन बी प्रोवाइडेड सो दैट फीवर बढ़े ही नहीं,
इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम आई नो फॉर श्योर कि आपके घर में कोई बीमार है, उसको बुखार है और 103, 104, 105 टेम्परेचर जा रहा है. ए समबडी इज सिक एट योर होम, ही इज हैविंग फीवर, इट गोज 100, 200, 300, 4, यू आर पजल्ड कंप्लीटली. यू पोर आइस ऑन हिज बॉडी, यू गिव आइस इन हिज हेड, यू वॉश हिज हेड विद द वाटर टू गेट डाउन द फीवर एंड यू पुट सलाइन and even the cold saline you apply, and I will provide you certain solutions so that you can take care of that type of situations before it happens. That so that is called prevention. Thank you very much. If you like my video, please subscribe, put your questions there and relevant to this video, so that I will be encouraged to discuss those matter while I will discuss. आप अपना question वहाँ डालिए, हम लोग बात करेंगे, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको और क्या बताना है. और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और बेल बटन लगाइए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं आपके पास तुरंत चला जाए. कमेंट्स ज़रूर करिए, अच्छा लगे बुरा लगे, बट एटलीस्ट आई मस्ट अंडरस्टैंड. मुझे भी तो ये समझना आना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं. थैंक यू वेरी मच.